हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और ये लाइव वायर का सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल है। इसके अंदर देखने वाले हैं कि लाइव वायर को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं विद लारावेल। विद लारावेल मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप लाइव वायर को बिना लारावेल के इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसके बिना यूज़ ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ही इसको यूज़ करना पड़ता है। ऑलराइट, तो देखो अभी इसका फर्स्ट वर्जन चल रहा है। अगर अभी अभी के लिए तो आप इसको लारावेल के बाहर यूज़ कर नहीं सकते हो। बाद में 2-3 साल बाद में आप वीडियो देख रहे हो और तब इसको बिना लारावेल के भी यूज किया जाने लगे तो अलग बात है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं वापस से। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं इस वीडियो के। सबसे पहले हम लारावेल को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि लारावेल के बिना मैंने मुझे बताया कि लाइव वायर को हम यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद में हम इसका जो पैकेज है लाइव वायर का, वो लारावेल वाले पैक जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। बाद में लाइव वायर की स्टाइल और जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं वो देखने वाले हैं। और एक्चुअली इसके टैग्स लगाएंगे हम, ज़्यादा यूज़ नहीं करके देखने वाले, जस्ट टैग्स लगाएंगे। ठीक है, इनका यूज़ हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। बाद में एक कंपोनेंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव वायर और बाद में उसको यूज़ करेंगे इन द ब्लेड टेम्पलेट। ठीक है, तो आपको इंस्टॉलेशन और फर्स्ट प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है विद द लारावेल एंड लाइव वायर, सो वो देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैं कमांड लाइन ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड पर मैं एक डैशबोर्ड पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ MKDIR और इसका नाम रखता हूँ लाइव वायर और लाइव वायर ट्यूट रख लेता हूँ। राइट, सो अब मैं जाता हूँ लाइव वायर के अंदर। राइट, और यहाँ पे मैं लारावेल वाला प्रोजेक्ट इंस्टॉल करता हूँ। लारावेल न्यू ब्लॉग इसका मैं नाम रख लेता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं इसका नाम ब्लॉग रख लाऊँ। सो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ऑलराइट, सो हमारा प्रोजेक्ट बन गया। मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ ब्लॉक और यहाँ पे कमांड रन करता हूँ PHP आर्टिसन सर, और मैं एक नया टैब ओपन करके इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन भी कर लेता हूँ। ऑलराइट, और पुराने वाला विजुअल स्टूडियो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लारावेल का पूरा स्ट्रक्चर आ गया है। और आई होप कि आप लारावेल से फैमिलियर हो। अगर आप लारावेल से फैमिलियर नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लारावेल का, वहाँ से देख सकते हो 7 लेटेस्ट वाला है। राइट, सो अब इसको ये रन हो गया यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। राइट, सो हमारा एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। परफेक्ट, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा जो लाइव वेयर पैकेज है उसको इम्पोर्ट करना। ठीक है, सो अगर अभी मैं आपको जस्ट फॉर कन्फर्मेशन अगर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लाइव वेयर सर्च करता हूँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें लाइव वेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोजर रिक्वायर्ड और रिक्वायर के बाद में उस पैकेज का नाम लाइव वेयर स्लैश लाइव वेयर। राइट, सॉरी लाइव वायर, दैट्स माय बैड, लाइव वायर स्लैश लाइव वायर और जस्ट हिट द एंटर। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने के लिए, सो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। सो यहाँ पे लाइव वायर इंस्टॉल हो गया है। अब देखते हैं इसको यहाँ पे कि मैं कहाँ मिलेगा। देखो यहाँ पे लाइव वायर का वर्जन 1 इंस्टॉल हो गया है। परफेक्ट, सो क्या अब हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, एक्चुअली अभी तो जस्ट लारावेल के अंदर इंस्टॉल हुआ है, तो अभी तो जस्ट काम ये इसका शुरू हुआ है, ये कह सकते हो आप। ऑलराइट, सो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आपको जो ये फ्रंट पेज दिख रहा है यहाँ पे लारावेल का, मैं इस वेलकम वाले पेज के ऊपर आने वाला हूँ, वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से सब कुछ गायब कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चाहो तो अगर आपको ये रखना है पेज बाद के लिए तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हो कॉपी बना के, वो इशू नहीं है। बट इसको यहाँ से हटा सकते हैं पूरा का पूरा। राइट, इसको यहाँ से हटा सकते हैं यहाँ से, और मैं आप लिखता हूँ HTML:5 और यहाँ पे एक छोटी सी टेम्पलेट मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। इनकी मुझे ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लाइव वायर ब्लॉग। ऑलराइट, सो देखो इसके अंदर दो चीज़ें हमें यूज़ करनी होती हैं। एक तो हमें यूज़ करनी पड़ती है इसकी स्टाइल। सो स्टाइल जब हमें यूज़ करनी पड़ती है तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं @ लाइव वायर स्टाइल, लाइव वायर स्टाइल। राइट, सो एक्चुअली स्टाइल्स होता है यस yes. और सेम तरीके से जब हम उसकी जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होती है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं @
लाइव वायर स्क्रिप्ट। ऑलराइट, सो अब हम इस वाले पेज पे आते हैं। यहाँ पे और देखते हैं, ब्लैंक पेज है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टाइल ऐड हो गई है अपने आप में, ठीक है। सो ये जो स्टाइल हुई है, ये लारावेल की वजह से नहीं हुई, ये लाइव वेयर की वजह से हुई। यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइल और ये पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट ऐड हो गई है। परफेक्ट, नो इशू। सो स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि हमें इशू इसलिए नहीं हुई कि हमें इसका डील नहीं करनी है, ये बैकग्राउंड के अंदर होती है, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। परफेक्ट, सो जैसे ही ये बन गया, अब हमें एक कंपोनेंट जनरेट करते हैं, और जो कंपोनेंट एक लाइव वायर का कंपोनेंट बनाएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक, और बेसिकली जैसे कि हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं लारावेल के अंदर, यहाँ पे हम लाइव वायर यूज़ करेंगे, लाइव वायर। और उसके बाद में जो भी आपको कंप्यूटर का नाम लिखना हो, मैं काउंटर रखता हूँ। काउंटर क्यों रखता हूँ, कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर काउंटर बनाया हुआ है, वो बड़ा सही है। आने वाली दो वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, बस अभी के लिए मैं काउंटर वाला ही बना लेता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैं इसको काउंटर को बनाता हूँ, ये कह रहा है कि इसको रेपोजिटरी में शेयर करोगे। अभी के लिए मुझे रेपोजिटरी में शेयर नहीं करना, तो मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से। तो अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या फाइलें जनरेट हुई हैं, ठीक है। सो एक तो देखिए, यहाँ पे लाइव वायर का फोल्डर बन गया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी ब्लेड फाइल बन गई है एक। दूसरी चीज़ क्या बनेगी, जब ऐप के अंदर जाओगे और उसके बाद HTTP के अंदर जाओगे, और तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोलर के बराबर में यहाँ पे एक लाइव वायर का फोल्डर बन गया, उसके अंदर काउंटर आ गया। इसका मैं कोड देखता हूँ तो ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस है नहीं, कम्प्लीटली उसी की तरह दिख रहा है जैसे कि हमारा एक लारावेल का नॉर्मल कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसी की जैसे दिख रहा है, कुछ भी फर्क नहीं है। परफेक्ट, सो ये वाला पेज और जो यहाँ पे ब्लेड वाला पेज है इसका, लाइव वायर का ये वाला, इन दोनों को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सो मैं इस डिव के अंदर कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, पे H1 लिख देता हूँ, लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम काउंटर ब्लेड पेज। ऑलराइट, सो सिंपल है। अब इस पेज को हम देख कैसे सकते हैं, यहाँ पे ये मेजर पार्ट होता है। सो इसको देखने के लिए मैं क्या करना है बेसिकली, तो जो हमारा वेलकम डॉट प्लेड डॉट PHP था, सो इसके अंदर हम यहाँ पे नॉर्मली लिखेंगे। चाहो तो एक डिव भी ले सकते हो यहाँ पे, वो आपकी विश है। और यहाँ पे लिखेंगे हम @ लाइव वेयर वायर, और यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे काउंटर, ठीक है। और अब मैं इस पेज को आके यहाँ पे रिलोड करता हूँ, तो आपको दिख गया होगा हेलो फ्रॉम द ब्लेड टेम्पलेट। तो यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट से पेज आ गया। अब थोड़ा स्टाइल देखते हैं। सो स्टाइल जब देखोगे तो इसके अंदर ये देखिए काउंटर ही इस तरीके से ऐड हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे H1 टैग आ गया। और ये जो पूरा पार्ट है, ये हमारा बेसिकली जो काउंटर वाला है वहाँ से उठ के आया है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आने वाली वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि क्लिक इवेंट कैसे काम करता है लाइव वायर के अंदर, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।